नरेड़ापुर के छोटे से गांव में कलावती अपनी बेटी रूपाली के साथ रहती थी। कलावती एक विधवा औरत थी और एक आम के बगीचे में काम करके अपनी बेटी और अपना गुजारा कर रही थी। आज तो बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है, इतनी धूप में काम करने में बहुत परेशानी हो रही है। अरे क्या धीरे धीरे लगे हुए हो, जल्दी जल्दी काम करो, शाम तक सारा का सारा काम हो जाना चाहिए। मुंशी के ऐसा कहने के बाद कलावती जल्दी जल्दी काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। अरे शाम के 6 बज गए हैं, चलो बहन चलते हैं और अपनी आज की दिहाड़ी ले लेते हैं। हाँ बहन चलो चलते हैं। देखते ही देखते सभी मजदूरों की लाइन लग जाती है। एक के बाद एक आते जाओ और अपने पैसे लेते जाओ, चलो। सभी मजदूर अपने हिस्से के पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। अरे सरोज आज तो मंगल बाजार है, चलो वहाँ से सब्जी लेकर घर चलते हैं। हाँ बहन मेरे घर पर भी सब्जी खत्म हो गई है, चलो चलते हैं। कलावती सरोज के साथ सब्जी मंडी में पहुंच जाती है, जहां पर सबसे सस्ती से सस्ती सब्जियां ढूंढती है और खरीदने के बाद वह अपने घर के लिए निकल पड़ती है। चलो बहन मेरा घर तो आ गया है, तुम ध्यान से जाना, आगे का रास्ता बहुत ज्यादा खराब है और तो और गांव में लाइट भी नहीं आ रही है, अंधेरे में ध्यान से चलना। सरोज की बात सुनने के बाद कलावती आगे की तरफ बढ़ने लगती है। चलते चलते चारों तरफ से घना अंधेरा और शांति नजर आती है। वह अंदाजा लेकर सीधा सीधा चलती रहती है। अंदर से उसे थोड़ी घबराहट भी होती है। इतना अंधेरा है, यहाँ ठंडक बहुत है, जितनी जल्दी हो सके मैं यहाँ से बाहर निकलती हूँ ताकि मैं अपने घर अपने बच्चों के पास पहुँच जाऊँ। कलावती जैसे तैसे करके उस जगह से बाहर निकलती है। कुछ दूरी पर जाकर पानी के बड़े से टैंक के पास उसकी एक टूटी फूटी झोपड़ी होती है, जिसके बाहर उसकी बेटी झाड़ू लगा रही होती है। अरे माँ आ गई आप, चलो अच्छी बात है, आज तो आप थोड़ी लेट हो गई हो, मैं बहुत देर से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ दरअसल आज मैं सब्जी मंडी चली गई थी, घर में सारी सब्जियाँ खत्म हो गई हैं। चलो अच्छी बात है आप सब्जियाँ तो ले आई हो, वैसे भी सब्जी खत्म ही हो गई थी। मीना अपनी माँ कलावती के हाथों से थैला पकड़कर अंदर ले जाती है, जिसके बाद कलावती अपने मुँह हाथ धोने लगती है और मीना सब्जियाँ निकाल कर खाना बनाना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में खाना बनकर तैयार हो जाता है। ये लो माँ खाना खा लो। दोनों माँ बेटी खाना खाने लगती है, लेकिन तभी उन्हें अपनी झोपड़ी के बाहर से एक आवाज़ आती है। अरे कौन रहता है यहाँ, बाहर निकलो जरा। कलावती अपना खाना छोड़कर बाहर निकलती है। हाँ क्या बात है, आप लोग कौन हो? देखिए ये जगह सरकारी जगह है, आप यहाँ नहीं रह सकती हो, आपको ये जगह खाली करनी होगी। मैं यहाँ कई सालों से रह रही हूँ, आज तक यहाँ कोई नहीं आया और फिर मैं यहाँ से कहाँ जाऊंगी, मेरी बेटी और मेरा इस जगह के अलावा और कोई ठिकाना नहीं है। देखो हम कंस्ट्रक्शन वाले हैं, हमें ये जगह खाली चाहिए ताकि हम यहाँ इस छोटे पानी के टैंक को बड़ा बना सके। कलावती बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। ना चाहते हुए भी उसे अगले दिन सुबह अपनी बेटी के साथ वो जगह खाली करके जाना पड़ता है। माँ अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कहीं तो जाना ही होगा बेटी। कलावती और मीना चलते चलते आम के बगीचों के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें खाली टूटी फूटी झोपड़ी नजर आती है। लगता है कि इस झोपड़ी में कोई नहीं रहता, चलो हम इसके अंदर चलते हैं और यहीं रह लेंगे। दोनों माँ बेटी अंदर पहुँच जाती हैं। उस झोपड़ी में एक बूढ़ी औरत अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी। हे भगवान मुझे अपनी शरण में ले ले, क्यों मुझे दुख दे रहा है। माँ जी आपको क्या हुआ है और आप इस तरह भगवान को याद क्यों कर रही हो, चिंता मत करो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? खैर जो भी कोई हो, मुझे लगता है कि ये मेरी आखिरी वार्तालाप है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक सच बताना चाहती हूँ। क्या बताना चाहती हो आप, बताओ। ये जो आम का बगीचा है, ये कोई मामूली बगीचा नहीं है, ये एक जादुई बगीचा है। क्या कहा, जादुई बगीचा है? मैं कुछ समझी नहीं। ये मेरा पुश्तैनी बगीचा है, इस बगीचे में सदाबहार आम लगे रहते हैं, इसकी मालकिन तुम हो, इसकी अच्छे से देखभाल करना। इतना कहने के बाद वैजयंती अपनी आखिरी सांस छोड़ देती है और भगवान को प्यारी हो जाती है, जिसके बाद कलावती उसका अंतिम संस्कार करती है। जिसके बाद कलावती आम के बगीचे में जाती है और बगीचे में लगे आमों को देखकर सोचती है, इतने सारे रसीले आम हैं यहाँ, लेकिन वो बूढ़ी औरत, उस बूढ़ी औरत का इस दुनिया में क्या कोई नहीं था। खैर छोड़ो, एक काम करती हूँ, कुछ आम तोड़ लेती हूँ और उन्हें बेचकर कुछ पैसे कमा लूंगी। कलावती एक टोकरी में आम तोड़ती है, जैसे ही वह पहला आम तोड़ती है वहाँ उसी के जैसा एक आम उग जाता है। ये क्या, यहाँ पर तो आम तोड़ते ही आम लग गया। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत सच कह रही थी, ये कोई मामूली बगीचा नहीं, एक जादुई बगीचा है। तभी मीना भागते हुए कलावती के पास आती है और उसे कहती है,
माँ माँ आपको पता है ये बगीचा सचमुच में जादुई बगीचा है। वो औरत सच ही बोल रही थी, यहाँ तो मर्जी आम तोड़ लो वो अपने आप वैसे ही अचानक से उग जाता है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसा कहकर मीना भी एक आम तोड़ती है, जिसके बाद वहाँ पर अचानक से एक आम अपने आप उग जाता है। बेटी परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने भी ये करिश्मा अपनी आंखों से खुद देखा है। ये समझो ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। लगता है हमारी किस्मत ही बदल गई। कलावती और उसकी बेटी मीना दोनों ही कई सारी टोकरियों में आम भरकर बाजार में बेच देती हैं, जिसके चलते उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। देखते ही देखते वो आम बेचकर अपना खुद का एक घर खरीद लेती हैं, और ये सब एक दिन मुंशी देख लेता है। अरे बाबा क्या बात है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता ये सड़क छाप गरीब इतनी अमीर कहाँ से हो गई, इसके पास इतना बड़ा घर कहाँ से आया। मुंशी इस बात को गांव में और भी आदमियों में फैला देता है, जिसके बाद सभी हैरान रह जाते हैं। अरे लगता है इसने कोई चोरी और डकैती की है, लेकिन इस छोटे से बगीचे से ये इतना पैसा कैसे कमा सकती है, आज इस बात का पता लगा कर ही रहेंगे। मेरा इस पूरे गाँव में सबसे बड़ा आम का बगीचा है, इतना पैसा तो मैं भी नहीं कमा रहा जितना ये छोटे से बगीचे से कमा रही है। रात होते ही इसके आम के बगीचे का राज ढूंढने चलेंगे। रात के समय मुंशी गांव के कुछ आदमियों के साथ कलावती के बगीचे में घुस आता है। कितने रसीले आम हैं, इन्हें देखकर तो खाने का मन कर रहा है, वैसे भी किसी को क्या पता चलेगा, एक तोड़ी लेता हूँ। मुंशी जैसे ही एक आम तोड़ता है उस आम की जगह पर दूसरा आम उग जाता है। अरे वाह देखो तो सही, ये तो जादुई आम का बगीचा है, इन पेड़ों के ऊपर कोई भी आम तोड़ो तो अपने आप उसी जगह दूसरा आम उग जाता है। चलो भाइयों एक काम करते हैं, इन पेड़ों को ही काट कर ले जाते हैं, एक एक हम सभी लगा लेंगे अपने अपने घर के बाहर। वो सभी आदमी आरी लेकर पेड़ों को काटने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बूढ़ी औरत की आत्मा आ जाती है। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, तुम जैसे लालचियों से मैंने इस आम के बगीचे को कितना बचाया, लेकिन तुम किसी गरीब का भला नहीं होने दोगे, अभी तुम्हें मैं सबक सिखाती हूँ। वो औरत अपनी शक्तियों से उन्हें आसमान में उड़ाकर जमीन पर पटकती है, जिसके चलते उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और वो सभी बूढ़ी औरत की आत्मा से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो, आज के बाद हम इस जादू याम के बगीचे में कभी नहीं आएंगे और ना ही कभी लालच करेंगे, हमें माफ कर दो और हमें जाने दो। बूढ़ी औरत की आत्मा उन्हें जाने देती है। उस दिन के बाद से उस जादुई आम के बगीचे की देखरेख कलावती और उसकी बेटी मीना के हाथों में ही होती है, और वो अब उस आम के बगीचे के चलते खुशी खुशी अपने जीवन में जीने लगते हैं।